विराट कोहली के साल 2024 के स्कोर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन स्कोर्स को जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ 150 नजर आएगी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 76 रनों की जो पारी थी, इसके अलावा 2024 में विराट कोहली का बल्ला पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया। चाहे टेस्ट की बात की जाए, T20 की बात की जाए और वनडे सीरीज जो श्रीलंका के खिलाफ चल रही है, वहाँ पर भी विराट कोहली के बल्ले से कोई बड़े रन नहीं दिखे हैं। पहले मैच में 24 रन बनाए थे, उसके बाद अगले मुकाबले में 14 रन बनाए हैं। विराट कोहली से जो बड़ी बारी की उम्मीद की जा रही है, वैसा वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कई सारे जो विराट कोहली के फैंस से काफी निराश नजर आ रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है साफ तौर पर कि विराट कोहली ने पहले तो अपनी 50 प्लस की जो उनकी टेस्ट की एवरेज थी साउथ अफ्रीका दौरे पर वो खराब कर ली, उसके बाद T20 की जो एवरेज थी वर्ल्ड कप में वो खराब हुई और अब वनडे की एवरेज भी उनकी खराब होती हुई नजर आ रही है। विराट कोहली को इस क्रिटिसिज्म का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है, बहुत सारे जो उनके फैंस हैं या फिर बहुत सारे जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि विराट कोहली अब उतनी ज़्यादा मैच प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आते हैं। ये वजह है कि विराट कोहली के गेम में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ लंदन चले गए, उसके बाद डायरेक्टली लंदन से श्रीलंका आए, यानी मैच प्रैक्टिस की अगर बात की जाए मैच से पहले उनको मिली। हालांकि विराट कोहली जिस कद के खिलाड़ी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लंबा उनका करियर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं, गेम को पूरी तरीके से समझते हैं, चलाना जानते हैं, लेकिन उनके जो आंकड़े हैं, जो उनके स्कोर हैं, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं विराट कोहली के नाम को। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पूरा वर्ल्ड कप उनका देखा जाए तो बिना रन के गया है, लेकिन फाइनल मुकाबले में जब जहां पर जरूरत थी वहां पर उनके बल्ले से 76 रन निकले हैं। लेकिन चाहे टेस्ट की बात कर ली जाए, वनडे की बात कर ली जाए, T20 के फॉर्मेट जो कि अब वो छोड़ चुके हैं, तीनों ही फॉर्मेट में 2024 उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। 2023 में शानदार खेले थे, वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से खूब रन निकले थे, लेकिन जो साल 2024 है ये विराट कोहली के लिए अब तक बहुत अच्छा नहीं गया है। दो वनडे श्रीलंका के खिलाफ हो चुके हैं, बड़े रन्स निकले नहीं हैं, तीसरा वनडे सिर्फ एक वनडे मुकाबला वहां पर बाकी है। विराट कोहली के फैंस शतक की उम्मीद कर रहे थे लेकिन अब तक फिलहाल तो अर्धशतक नहीं आया है। आखिरी वनडे विराट कोहली क्या कर सकते हैं ये वहां पर देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बांग्लादेश की सीरीज है, वहां पर क्या उनके बल्ले से बड़े रन्स निकलेंगे, क्या विराट कोहली वो सीरीज खेलेंगे भी, ये भी अब तक संशय है। लेकिन भाई श्रीलंका के खिलाफ उम्मीद थी, जो उनके आंकड़े थे श्रीलंका के खिलाफ शानदार थे, कि उम्मीद थी कि तीन वनडे में कम से कम एक या दो शतक उनके बल्ले से देखने को मिलेगा, लेकिन पहले दो मुकाबले में विराट कोहली फ्लॉप रहे हैं।